हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे जैकोबियंस बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। इसमें आज का आपका टॉपिक है रेसिप्रोकल रूल ऑफ जैकोबियंस। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। इसके पहले आपका चैन रूल ऑफ जैकोबियंस कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें का कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल रूल ऑफ जैकोबियंस में। चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ वाई वन वाई टू आर फंक्शंस ऑफ आर फंक्शंस ऑफ यक्स वन यक्स टू, देन आपको यहाँ पे प्रूफ करना है डेल ऑफ वाई वन कामा वाई टू अपॉन में डेल ऑफ यक्स वन कामा यक्स टू। रेसिप्रोकल करा है तो मतलब इसी का उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एक्स वन कामा एक्स टू और अपॉन में डेल y1 कामा y2। इसी को आपको प्रूफ करके यहाँ पे क्या लाना है, 1 ले आना है। यही इसका स्टेटमेंट है कि इफ y1 y2 आर फंक्शंस ऑफ x1 x2 देन डेल ऑफ y1 कामा y2 अपॉन डेल ऑफ x1 कामा x2 इनटू में डेल ऑफ x1 कामा x2 अपॉन में डेल ऑफ y1 कामा y2 इज इक्वल टू 1। ये आपका 2 के लिए है, 2 वेरिएबल। अगर यदि आप इसी में y3 भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ y1 y2 y3 आर फंक्शंस ऑफ, तो यहाँ भी एक ऐड होगा x1 x2 एंड x3, देन आपका यहाँ पे तब हो जाएगा डेल ऑफ y1 कामा y2 कामा y3 अपान में डेल ऑफ x1 कामा x2 कामा x3। यहाँ भी एक ऐड हो जाएगा, यहाँ उसमें भी आपको 1 लेके यही आना है। तो मैं आपको 2 वाला बता दे रहा हूँ और 3 वाला आप ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम यहाँ पे एल एच एस को लेके चलेंगे और राइट हैंड को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए आप नाउ, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के यहाँ पे लिखिए नाउ। अब डेल ऑफ वाई वन कामा वाई टू अपॉन में डेल ऑफ यक्स वन कामा यक्स टू इंटू में डेल ऑफ एक्स वन कामा एक्स टू और अपॉन में डेल ऑफ वाई वन कामा वाई टू इज इक्वल टू। इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताना स्टार्ट कर दिया था, जो कि इसका डेफिनेशन भी है जैकोबियंस में, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये सभी बातें आपके लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हो गई हैं। फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आप डेल वाई वन को लीजिए, उसके अपान में डेल एक्स वन, फिर डेल एक्स टू करिए। चलिए इसको करते चलते हैं। तो ये पहले बार क्या हो जाएगा, डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स वन, अब x1 हो गया, अब x2 को लीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल y1 अपॉन डेल x2। ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब y2 को उठाइए तो क्या हो जाएगा, डेल y2 अपॉन में फिर से आप करिए डेल x1 और यहाँ पे करिए डेल y2 अपॉन में डेल x2। ये आपका पहला वाला मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे चेंज करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। सबसे पहले आप डेल एक्स वन को लीजिए, इसके अपान में एक बार डेल वाई वन करिए, फिर डेल वाई टू करिए तो क्या हो जाएगा, डेल वाई वन और ये डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई टू। ये आपका यहाँ पे आर वन कंप्लीट हो गया। अब आप एक्स टू को उठाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स टू एक बार इसके अपान में वाई वन करिए, फिर इसके अपान में क्या करिए वाई टू, तो यहाँ पे क्या है डेल एक्स टू अपॉन में डेल वाई टू। अब देखिए ये आपका, ये भी आपका टू क्रॉस टू है, ये भी टू क्रॉस टू क्रम है, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए परफॉर्मिंग रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मिंग रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन एंड वी गेट। आपको यहाँ पे तब क्या मिलेगा, इसको आप देख लीजिए, ये R1 है, इसको आप C1 वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या हो जाएगा, डेल Y1 अपॉन में डेल X1 इनटू इस वाले का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इनटू में डेल X1 अपॉन में डेल Y1, फिर लगाते हैं पॉजिटिव। अब इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल Y1 अपॉन में डेल एक्स टू और यहाँ पे डेल एक्स टू अपॉन में डेल वाई वन। ये आपका वन वाला कंप्लीट हो गया।
अब आइए फर्स्ट वाले रो को लेते हैं और सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको हम ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल वाई वन अपॉन में डेल एक्स वन, ये आपका दूसरा वाला है इसलिए मैं इसको ब्लैक पेन से हिंट कर दे रहा हूँ। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स वन इंटू में डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई टू, डेल एक्स वन अपॉन में डेल वाई टू, फिर लगाते हैं पॉजिटिव। अब डेल वाई वन अपॉन डेल एक्स टू का मल्टीप्लीकेशन डेल एक्स टू अपॉन डेल वाई टू के साथ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डेल वाई वन अपॉन में डेल एक्स टू, और ये आपका हो जाएगा डेल एक्स टू अपॉन में डेल वाई टू। आइए अब सेकेंड वाले रो पे चलते हैं। अब आप आर टू वाले का एक बार सी वन के साथ मल्टीप्लीकेशन करिए, फिर आर टू वाले के लीजिए और सी टू के साथ मल्टीप्लीकेशन करिए, यही होता है आपका मेथड मल्टीप्लीकेशन का। तो इस बार क्या हो जाएगा डेल वाई टू अपॉन में डेल एक्स वन, इसका मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले इसके साथ करेंगे, इंटू में क्या हो जाएगा डेल एक्स वन अपॉन में डेल वाई वन, फिर लगाते हैं प्लस। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई टू अपॉन में डेल एक्स टू और इंटू में डेल एक्स टू अपॉन में डेल वाई वन, ये वाला हो गया। अब आप सी टू के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डेल वाई टू अपॉन में डेल एक्स वन इंटू में डेल एक्स वन अपॉन में डेल वाई टू, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल वाई टू अपॉन में डेल एक्स टू इंटू डेल एक्स टू अपॉन में डेल वाई टू। अब देखिए आप यहाँ पे जो ब्लू ब्लू लिखा है इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पे क्या लिखोगे, इसी प्रकार आप चारों के स्थान पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप नोट पॉइंट में कर लीजिएगा और इसको आपको ध्यान रखना है कि आप वन इज इक्वल टू डेल वाई वन अपॉन डेल वाई वन लिख सकते हो, क्योंकि वाई वन का पार्शियल डेरिवेटिव वाई वन के रिस्पेक्ट में वन ही होता है और इसको आप इस फॉर्म में बदल सकते हो। इसी प्रकार आपको ये टोटल फोर फॉर्म दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, मैं इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं जो कि आप चैन रूल से करते आ रहे हो, तो मैं इसको यहाँ पे जो तिरछा तिरछा लिखा है ना डेल वाई वन अपॉन डेल वाई वन डेल वाई वन अपॉन डेल वाई वन, तो हम यहाँ पे एक ही बार लेते हैं, आपका थोड़ा सा ट्रिक है छोटा सा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल वाई वन अपॉन में डेल वाई वन। जैसे आपने ऐसा तिरछा इसको देखा, अब उसी प्रकार आप इसको देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसको एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, इसको हम टू दो बार हो गया, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार इसको लिखा जाएगा। उसके प्रकार देखिए इसमें आप तिरछा देखिए, तो डेल वाई वन डेल वाई टू है, यहाँ भी डेल वाई वन डेल वाई टू है, तो यहाँ इसको आप लिख दीजिए डेल वाई वन अपॉन में डेल वाई टू। आइए उसी प्रकार हम सेकेंड वाले रो में देखते हैं तिरछा, तो ये तिरछे में क्या आता है डेल वाई टू अपॉन डेल वाई वन डेल वाई टू अपॉन डेल वाई वन, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए डेल वाई टू अपॉन में डेल वाई वन। अगर आपको वो फोर वैल्यूज नहीं याद है तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। उसी प्रकार इसमें भी देखिए तिरछा डेल वाई टू अपॉन डेल वाई टू डेल वाई टू अपॉन डेल वाई टू, तो यहाँ भी हो जाएगा डेल वाई टू अपॉन में डेल वाई टू। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वन ही आता है, उसी प्रकार यदि एक्स के स्थान पे वाई वन हो, यदि आप वाई वन का पार्शियल डेरिवेटिव वाई वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आता है, वन ही तो आता है। यदि आप वाई वन का वाई टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका तो जीरो आएगा। उसी प्रकार यहाँ भी वाई टू का आप वाई वन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, और यहाँ आएगा वन। क्यों? क्योंकि आप y2 का पार्शियल डेरिवेटिव y2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस, तो 1 वन जा इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ 1, फिर माइनस 0 का 0 के साथ तो 0 ही आएगा। अब 1 माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है।
यही आपको स्टेटमेंट प्रूफ करके ले आना था। तो ये था आपका रेसिप्रोकल रूल ऑफ जैकोबियंस, ये टू वाला था जिसमें हम वाई वन वाई टू के लेके चले थे। अब आप यहाँ पे एक इसमें और ऐड कर लीजिएगा, आप लिखिएगा स्टेटमेंट में इफ वाई वन वाई टू वाई थ्री आर फंक्शंस ऑफ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। उसी प्रकार जहां जहां पे वाई टू है उसमें आप वाई थ्री और जहां एक्स टू है उसके बाद वाले में एक्स थ्री ऐड करते चले जाइए। यही जो आपका टू क्रॉस टू का बना था, यहाँ पे देखिए जो आपका ये टू क्रॉस टू का बना था उसमें थ्री क्रॉस थ्री का बन जाएगा। उसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से वो भी सॉल्व होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।